कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने की योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो यह योजना सबसे पहले लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर से शिक्षित बेरोजगार युवा किसानों को उद्यमी बनाया जाएगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर योजना को बताते हुए कहा कि बैंक ऋण आधार पर कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने वाले किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल पर होंगे। आवेदन करने के लिए व्यक्ति, पंजीकृत किसान समूह और फार्मर कोऑर्डिनेशन पात्र होंगे। यह कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाने हैं। कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए, अधिकतम 25 लाख रुपए की लागत का स्थापित किया जा सकेगा। हर कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र के लिए मशीनों के क्रय की लागत पर आवेदकों को 40%, अधिकतम 10 लाख रुपए तक क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड अनुदान दिया जाएगा। हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना से प्रोजेक्ट को 3% की दर से ब्याज अनुदान और भारत सरकार की गारंटी होगी। प्रत्येक जिले में 5 कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। कुल 260 केंद्र खोलने का लक्ष्य वर्ष 2021-22 में लिया गया है। निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने की योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य के लिए किराए पर मशीनें यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों से संबंधित कृषि मशीनों के क्रय की लागत पर आवेदकों को 40%, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। 416 कस्टम हायरिंग केंद्रों को स्थापित किए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा, जहां हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हमने इसका शुभारंभ किया है, जिससे किसान के बेटे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए और किसान को उनकी उपज का, उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग वो यूनिट डाल सकेंगे। उस पर 40% की सब्सिडी रहेगी बैंक से जो ऋण लेंगे, और 3% ब्याज की छूट भी रहेगी। जो कभी कृषि अवसंरचना विकास फंड जो प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का दिया, उसके तहत इस प्रकार 5-6% ब्याज पर, 40% सब्सिडी पर किसानों को 25 लाख तक की यूनिट, एक एक यूनिट में 25-25 लाख की यूनिट खोल सकेंगे, जिससे कि बेरोजगारी भी दूर होगी गांव में और किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने का 2022 तक, वो हम पूरा करेंगे। और देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री कमल पटेल ने बताया कि कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित होने से किसान अब खेत में ही ग्रेडिंग कर सकेंगे, जिससे वे खुद से ही अपनी उपज का ग्रेडिंग करेंगे और उसी अनुसार उनको उनकी उपज का सही रेट मिल पाएगा। पहले यही कार्य बिचौलिए करते थे और किसानों की उपज को औने पौने दामों में देकर उसका ग्रेड कर उसको अधिक दामों में बेच देते थे, लेकिन अब किसान खुद अपने उपज का मूल्य ग्रेड अनुसार तय कर सकेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।